सो यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सैमसंग एफ आर पी के ऊपर। भाई सैमसंग एफ आर पी को लेकर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो बनी हुई है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको हज़ारों वीडियो मिलेगी सैमसंग एफ आर पी को लेकर। बट दोस्तों, बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं जिसका आप एफ आर पी बाईपास की वीडियो ढूंढते हैं और बहुत सारे आप लोग वीडियो देख भी लेते हैं और आपका एफ आर पी बाईपास नहीं हो पाता है, क्योंकि भाई आप लोगों को समझ में नहीं आता है। बहुत सारे वीडियो अलग अलग देखे हैं, उसमें अलग अलग ट्रिक बताते हैं और काफ़ी लोगों का एफ आर पी बाईपास नहीं हो पाता है। तो यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भाई आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका जो फ़ोन है वो किस वीडियो से एफ आर पी उसका बाईपास होगा, कैसे आप सही वीडियो यूट्यूब पर सर्च करके और देख के अपना फ़ोन का एफ आर पी बाईपास कर सकते हैं। तो यार दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ मोबाइल। सो यार दोस्तों, आज मेरे पास जो फोन है वो सैमसंग का A21s है और इसमें एफ आर पी लॉक लगा है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है फोन अपना लेके, तो बहुत सारे हमारे जो कस्टमर होते हैं अपने फोन को अपडेट किए रहते हैं, जिसमें एंड्रॉइड वर्जन 11 हो सकता है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जो अपने फोन को अपडेट नहीं करते, उनके में ओल्ड वर्जन होता है तो उसमें एंड्रॉइड वर्जन 10 हो सकता है। बाद में हो सकता है फ़ोन में एंड्रॉइड वर्जन 9 हो, या आप पुराने कोई फ़ोन आएंगे तो उसमें एंड्रॉइड वर्जन 7, 8 या कुछ भी हो सकता है। तो यार दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई आपकी जो फ़ोन है उसमें कौन सा एंड्रॉइड वर्जन है। तो जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगा तो आप आसानी से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और उसमें भी दोस्तों आपकी बहुत सारी वीडियो आएंगे। बट दोस्तों, मैं उसमें ही बताने वाला हूँ उन सब वीडियो में से आप कौन सी वीडियो देखेंगे तो आपका एफ आर पी बाईपास हो जाएगा। तो यार दोस्तों, सबसे पहले ये देख लीजिए, मेरा फ़ोन है और इसमें लगा एफ आर पी लॉक। तो आप इसका कैसे एंड्रॉइड वर्जन चेक कर सकते हैं इसको, इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। फ़ोन को आपको रिकवरी मोड में ले जाना। रिकवरी मोड में ले जाने का मतलब ये है जहाँ से आप फ़ोन को हार्ड रिसेट करते हैं, जैसे भी आप फ़ोन को हार्ड रिसेट करते हैं। अब ये 21s है तो सबसे पहले इसको ऑफ़ करना पड़ता है। ऑफ़ करके इसमें डाटा केबल लगाना पड़ता है और जब चार्जिंग उठा लेता है, इसका वैल्यूम अप की और पावर की दोनों एक साथ दबा के इसको ऑन करना पड़ता है, तब ये फ़ोन रिकवरी मोड में जाता है। तो दोस्तों, मैं इसको फटाफट से रिकवरी मोड में ले जाता हूँ और देखिए दोस्तों, रिकवरी मोड में आने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सैमसंग A21s और साइड में यहाँ पे कुछ कोड लिखा है, फिर लिखा है A21s, उसी के जस्ट नीचे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 11, उसके बाद लिखा है RP1A और इसका कुछ वर्जन लिखा गया है। और देखिए दोस्तों, इसमें जो बाइनरी है सैमसंग A217F XXU5, यानी कि जो इसमें बाइनरी है U5 की है और CUD4, और जो इसमें दोस्तों लेटेस्ट वर्जन है और जो इसका सिक्योरिटी पैच है वो एकदम लेटेस्ट वर्जन का है, एंड्रॉइड वर्जन 11 का। दोस्तों, क्या होता है कि काफ़ी लोग यही चीज़ नहीं चेक कर पाते हैं भाई इसमें कौन सा सिक्योरिटी पैच है, नया है या पुराना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग के पास पुराने फ़ोन आ जाते हैं और हम लोग लेटेस्ट वीडियो देखते हैं तो उससे एफ आर पी बाईपास नहीं होता है, क्योंकि भाई उसमें लो वर्जन रहता है, जैसे एंड्रॉइड वर्जन उसमें 10 रहेगा। आप सोचेंगे कि भाई मैं एंड्रॉइड वर्जन 11 की वीडियो देख के एफ आर पी बाईपास कर लूँ तो कैसे होगा भाई, जाहिर सी बात है कि आपका एफ आर पी बाईपास नहीं होगा। तो सिंपली आप यहाँ से देख लिए कि इसमें लगा एंड्रॉइड वर्जन 11 का, तो आप देखेंगे कि भाई आपको वीडियो कौन सी चाहिए। आपको सिंपली जो वीडियो चाहिए वो एंड्रॉइड वर्जन 11 से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तब आपका जो है कि एफ आर पी बाईपास होगा। सो यार दोस्तों, कुछ इसी तरीके से आप लोग भी अपने फ़ोन का एंड्रॉइड वर्जन चेक कर लेना है और बाइनरी चेक कर लेना है कौन सा बाइनरी उसमें लगा है। उसके बाद दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सिंपली यूट्यूब ओपन करते हैं। यूट्यूब ओपन करना दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैमसंग A21 FRP बाईपास। तो यार दोस्तों, देखिए जैसे ही मैं सर्च करूँगा इसमें आएगा सबसे पहले पहला वीडियो सैमसंग FRP A21 S5 बाईपास की, जो कि 7 महीने पहले की है। उसके नीचे वाली जो वीडियो है 4 महीने पहले की है, जो इसके एक नीचे वाली वीडियो आ रही है 4 दिन पहले की है। तो जो हम लोग का सिक्योरिटी पैच लगा था उसमें लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लगा था एंड्रॉइड वर्जन 11 की वीडियो की लगा, एंड्रॉइड 11 का लगा था। तो यार दोस्तों, ये जो 7 मंथ वाली है इसको देखेंगे तो आपका 100% बाईपास नहीं होगा, 4 मंथ वाली बाईपास नहीं होगा, ये 4 डे वाले से हो सकता है बाईपास हो जाए। तो दोस्तों, इसमें भी अभी बहुत सारी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, आप सिंपली आपको यूट्यूब पर लिखना है सैमसंग A21s एंड्रॉइड 11 एफ आर पी बाईपास। अब दोस्तों, इसमें भी सर्च करेंगे देखिए इस पर आपको पुरानी ही वीडियो मिल रही है। बट दोस्तों, आपको करना क्या है, सिंपली देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे फिल्टर के ऊपर जाना है। फिल्टर के ऊपर जाने के बाद दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पे दिस मंथ या दिस वीक सेलेक्ट करना है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, जो इस महीने सारी वीडियो बनी होंगी वो मिलेंगी, या दिस वीक सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, जो इस हफ्ते वीडियो बनी होंगी सैमसंग एफ आर पी की वो सारी वीडियो मिलेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे दिस मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और देखिए दोस्तों, ये जो है कि लगभग इसमें की जो इस हफ्ते की वीडियो है दिस वीक सेलेक्ट किया हूँ, तो जो इस हफ्ते की सारी वीडियो है वो सारी वीडियो आई है। और दोस्तों देखिए, इसमें लगभग आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 डे 5 डे करके वीडियो मिलेंगी, जो कि लेटेस्ट वीडियो होंगे। इसमें छोटे मोटे क्रिएटर रहेंगे दोस्तों, लेकिन वो लोग मेहनत करके बनाए होंगे और लगभग ये सारी वीडियो देखेंगे तो ये सारी वीडियो वर्क करेगी। अब दोस्तों, आपके पास मान लीजिए फ़ोन होगा तो इसको आप सिंपली फ़ोन पर भी ट्राई कर सकते हैं,
फोन पे भी आप 3 डॉट के ऊपर जाके आपको फिल्टर सेलेक्ट करके और आपको यहाँ से कुछ ऐसे ही 1 वीक या 1 मंथ कर देना है। दोस्तों आप फोन पे भी देख सकते हैं, पीसी भी चाहें तो पीसी भी देख सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही करके आप इन सारी वीडियो को देख के अपना FRP पास कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों काफ़ी आपको ज़्यादा आसान हो जाता है, जो लेटेस्ट वीडियो है वही मिलता है। ऐसे दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिलती है जिसे हम लोग देखते देखते थक जाते हैं और हम लोग का FRP पास नहीं होता है। तो यार दोस्तों यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियो है, मैं सोच रहा था सैमसंग A21S की FRP पास की वीडियो बनाऊँ, बट इतनी सारी वीडियो है कि फिर मैंने कहा कि अरे यार नहीं रहने दो, इतनी सारी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं क्या करूँगा FRP पास की वीडियो बना के। तो यार सोचा कि नहीं, बस मैं कुछ ट्रिक बता देता हूँ जिससे बहुत लोग देख के आसानी से वो लोग अपनी वीडियो ढूंढ लेंगे और FRP बाईपास कर लेंगे। सो यार दोस्तों आज की इस वीडियो में बस मैं यही कुछ ट्रिक बताने वाला था जिसके जरिए आपका जो सैमसंग FRP बाईपास करने का वे है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो का आपको देखने के बाद जैसे ही आपके पास कोई फ़ोन आएगा तो उसका आप आसानी से वीडियो ढूंढ लेंगे कि उसका FRP बाईपास कैसे होगा, और लगभग आप FRP बाईपास करेंगे दोस्तों तो आपका FRP बाईपास भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज बस इतना ही, रहने फिर मिलता है आपसे किसी और एक अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक भाई जय हिंद जय भारत।